प्रियंका आप सभी लोगों के बीच एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ट्रेंडिंग भोजपुरी के प्रोग्राम में जिक्र करते हैं ऐसी खबरों की, ऐसी जानकारियों की जो कि पूरे दिन में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है, और सुर्खियों में रहने की वजह होते हैं हमारे भोजपुरी सितारे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज की शुरुआत खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष से ना हो। बिल्कुल आज बॉक्स ऑफिस पर, या यूं कहें कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में PVR मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्म लगी है संघर्ष, जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी नजर आई। बिल्कुल हमारी फिल्म को कितना अच्छा खासा रिस्पांस मिला है ये सुबह के प्रोग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं, और क्या कुछ कहना है लोगों का इस फिल्म को लेकर, क्या नजरिया है ये भी हमने जिक्र कर लिया है। लेकिन आज हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो फिल्म रिलीज होने के जस्ट एक रात पहले वो लाइव आए और करीबन 15 मिनट तक वो दर्शकों के बीच लाइव रहे, और इसी बीच उन्होंने मीडिया से अपने फिल्म को लेकर क्या बातें कही ये जानना हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अपने ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। आज अपनी फिल्म संघर्ष के रिलीज होने की वजह से खेसारी लाल यादव कल लाइव आए थे, और करीबन खेसारी लाल यादव 15 मिनट तक लाइव रहे, और साथ ही उन्होंने अपने दर्शकों से काफ़ी सारी बातें भी की और अपनी फिल्म के बारे में जानकारी दी। लेकिन इस बार खेसारी ने मीडिया से भी विनती की है, क्या आइए आप लोगों को सुनाते हैं। मैं क्या और बताना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार महोदय जो मीडिया महोदय हैं, प्लीज आप सब जाइए उस सिनेमा को जरूर देखिए। अगर आप देख कर लिखेंगे ना, तो मैं भी चाहता हूं कि अगर एक भी पत्रकार महोदय अगर इस सिनेमा को देखकर अगर लिखेंगे कि हाँ भोजपुरी में ये सिनेमा बनी है, अगर उनको लगता है कि कहीं से माइनस है तो वो भी लिखें, वो ताकि हम उसको सुधारने का काम करेंगे, आगे की फिल्मों में हम लोग सुधारें। भोजपुरी में जो दाग लगी हुई है, क्योंकि देखिए हमारा भाषा सफ़ेद चादर की तरह है, उसमें एक छोटा भाई छिट्टा पड़ता है ना तो वो दिखता है, क्योंकि हम बड़ा इमोशनल हमारा एरिया है, हमारी कल्चर संस्कृति। आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म को लेकर भाई मीडिया से भी कर चुके हैं विनती, और देखा जाए तो वाकई में खेसारी लाल यादव का जो स्टाइल है इस फिल्म में बहुत ही हटकर है। खैर जब बात हो ही रही है तो फिल्म संघर्ष की, तो क्यों ना खेसारी लाल यादव के उस एक बयान पर भी नजर डाल लिया जाए, जिस बयान में खेसारी लाल यादव ने खुद से उनसे गलती हुई है ये उन्होंने खुद ही अपनी जुबान से कबूल किया है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार खेसारी लाल यादव की गलती क्या थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और उस पर हमारे खेसारी लाल यादव खुद ही अपनी तरफ से क्या बयान देते हुए नजर आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। जहां आज बिहार मुंबई समेत खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष रिलीज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कल फिल्म रिलीज होने से पहले खेसारी लाल यादव शाम को लाइव आए थे, जहां पर खेसारी ने दर्शकों से अपनी फिल्म को लेकर के काफ़ी सारी दर्शकों से अपील की थी फिल्म को देखने की, और साथ ही खेसारी ने दर्शकों से माफ़ी भी मांगी। लेकिन खेसारी ने दर्शकों से माफ़ी क्यों मांगी, आइए आप लोगों को भी सुनाते हैं। रुआ लोगिन के एगो शिकायत रहेला कि सिनेमा में बलगरटी बहुत ज़्यादा होला। मेहदी के बाद हम ऐसा कोनो सिनेमा नहीं की कैले, पहले हमू कैले बनी और गिल्टी फील हमके भी होला, वो चीज़ को मैं आप सबका गुनहगार हूँ, उसके लिए माफ़ी मैं हमेशा मांगता रहूँगा आप सबसे। आखिरकार खेसारी लाल यादव और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारे भोजपुरी के जो देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष, इन दिनों आज की डेट में आज की बात अगर जो करें तो हमेशा हर जगह पर खबरों में बनी रही। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं खेसारी लाल यादव की पास्ट में विवादों में रही कहानी खबर कह सकते हैं। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ खेसारी लाल यादव और
हमारे राजनेता रहे जो है वो सुधीर सिंह को लेकर, बिल्कुल सुधीर सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जो भी मैटर हुआ है, जो भी इनके बीच विवाद है, हर कोई इससे रूबरू है। इस चीज को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन खेसारी लाल यादव सुधीर सिंह को बयान देते हुए, सुधीर सिंह को जवाब देते हुए उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा, क्या बातें कही, बिल्कुल अपने इंटरव्यू में जानना। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किस तरीके से सुधीर सिंह के बारे में जिक्र किया, इशारों ही इशारों में उन्हें काफी सारी बातें कह डाली। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हमारे खेसारी लाल यादव ने अपने ही बात को अपने ही अंदाज में, यानी कि इशारों ही इशारों में कितनी बड़ी बातें वो अपने दुश्मनों के लिए, या यूं कह ले जिसकी वजह से वो विवाद में रहते हैं उनकी वजह उन लोगों के लिए क्या उन्होंने बातें कही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में हैं, क्योंकि जब से संघर्ष फिल्म रिलीज हुई है तब से खेसारी से दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसी फिल्में देकर खेसारी ने एक नए दौर की इंडस्ट्री में शुरुआत तो कर दी है और दर्शकों का प्यार भी उन्हें मिल गया है। यही कारण है कि अब खेसारी किसी से नहीं डरते। हाल ही में खेसारी ने सुधीर से हुए विवाद पर भी अपने इंटरव्यू में काफी सारी बातें बोली हैं। खेसारी ने कहा है कि जब हाथी चलता है बाजार में तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन वो आराम से चलता रहता है। और गांव में अगर किसी एक का भी मोटरसाइकिल खरीद कर किसी का बेटा घूमता है तो लोग बात बनाना शुरू कर देते हैं कि फलनवा के लड़का तक गाड़ी चलावाता, गाड़ी पर घूमता। तो मेरे साथ भी लोग यही कर रहे हैं। मैं आज साइकिल छोड़कर मर्सिडीज चलाने लगा हूँ। मैं पीतल की चेन कभी पहनने लायक नहीं था, लेकिन अब सोने की चेन पहनता हूँ, जो लोगों द्वारा मुझे मिली है, जो दर्शकों का प्यार की वजह से मुझे मिली है। तो जाहिर सी बात है मुझसे जलने वाले लोग भी जरूर होंगे और वो मेरे बारे में बातें जरूर बनाएंगे, जिनसे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन मैं जो करने यहाँ आया हूँ वो मैं कर रहूंगा। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार होते हैं, यानी कि हमारे जो खेसारी लाल यादव हैं, वो अपने ही दुश्मनों को, अपने जिन जो उनके खिलाफ बोलता है उन्हें भी वो बहुत प्यार से समझाते हैं, जिस अंदाज में वो इस समय पर बोलते हुए नजर आए। चलिए अगली खबर की ओर रुक कर देते हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ काफी सारी फिल्मों में विलेन के रोल करने के बाद कई बार उनके पिता का रोल कर चुके अवधेश मिश्रा का जिक्र करते हैं। एक ऐसे स्टार जो विलेन का किरदार निभाते निभाते कब भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो बन गए, चर्चित हीरो बन गए, किसी को पता ही नहीं चला, बिल्कुल। लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ अवधेश मिश्रा की भी फिल्म संघर्ष में, उन्हें क्या, उनका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, उनका क्या नजरिया है देश की बेटियों को लेकर, जिस पर इस बार खुल करके हमारे अवधेश मिश्रा बोलते हुए नजर आए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा की हजारों फिल्में कर चुके विलन अवधेश मिश्रा इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर आने वाले हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि अवधेश मिश्रा की फिल्म संघर्ष आज से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म महिला प्रधान फिल्म है और महिला प्रधान कहानी पर ही आधारित है, लेकिन जब महिलाओं की आज़ादी और लड़कियों के बारे में बात पूछी गई अवधेश मिश्रा से उनके इंटरव्यू में, तो अवधेश तो कैमरे पर कुछ और ही बोलते नजर आए और उन्होंने वो बात कही है जो उन्हें पसंद है। दरअसल अवधेश मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि एक बेटी का पिता होने के नाते मैं जब लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखता हूँ, मैं जब लड़कियों को शराब पीते हुए देखता हूँ, अच्छे कपड़े ना पहनते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि लड़कियों को जो आज़ादी मिली है उसे कुछ लड़कियाँ गलत दिशा में लेकर जा रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन सही मायनों में उसका प्रयोग हो तो ज्यादा फायदा होगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अवधेश ने इंडस्ट्री को कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, कई सारी फिल्मों में उनकी जोड़ियां भी तमाम हीरोइनों के साथ बनाया दी गई हैं, तो वहीं कई बार वो कैमरे के सामने ऑन स्क्रीन कई हीरोइनों को प्रपोज भी करते नजर आए हैं। बेशक से मजाक में ही वो ऐसा करते हों, लेकिन उनकी इन हरकतों पर भी दर्शकों की नजरें हमेशा रहती हैं। दोस्तों कि आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी खेसारी लाल यादव और उनके जो फिल्म है उनकी संघर्ष को लेकर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर उनकी खबरें बरकरार रही,
तो आप लोग भी फटाफट सिनेमा घर में जाइए, खेसारी लाल यादव की इस फिल्म को देखिए और हमें प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको खेसारी लाल यादव की फिल्म कैसी लगी। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देते रहे और आप लोगों को भी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। फिलहाल मैं अब लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा, लेकिन हाँ कल एक बार फिर से नई खबर नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।